हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया मैं आप सबके सामने फिर से एक बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आपको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे रोजाना आपको ऐसे नए नए यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उसका नाम है स्कीपर लिमिटेड। और इस कंपनी को अभी अभी 924 करोड़ के दो ऑर्डर मिले हैं। इस कंपनी को एक ऑर्डर 788 करोड़ का TNT बिजनेस पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से मिला है, और दूसरा ऑर्डर 136 करोड़ का टीएनडी प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग टेलीकॉम का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के मिलने के बाद इस कंपनी की टोटल ऑर्डर इनफ्लो 2727 करोड़ की हो गई है। एक साल पहले इसका शेयर 69 रूपये का था और अब 234 का है। एक साल में इसने 3 गुना कर दिया है। अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रूपये लगाए होते तो आज आपके 3 लाख रूपये हो चुके होते। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1981 में बनी थी। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और पॉलीमर सेगमेंट में काम करती है। ये कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। ये कंपनी पॉलीमर पाइप्स का बिजनेस करती है। चलिए आगे बताता हूँ। इसका मार्केट कैप 2406 करोड़, पीई रेशियो 45.86, आरओई 4.63% और डेब्ट टू इक्विटी 0.64 है। इसके एमडी सीईओ श्री साजन बंसल है और ये कंपनी 1981 में बनी थी। इसमें एफआईआई लगातार अपना हिस्सा कम करते आ रहे हैं। सेप्टेम्बर 2022 में यानी पिछले साल एफआईआई का स्टेक इसमें 9.88% था, और फिर लगातार हर क्वार्टर में कम करते हुए इन्होंने सितंबर 2023 में 8.09% अपना स्टेक कर दिया है। इसमें प्रमोटर्स का 71.89%, रिटेल का 20.02% और एफआईआई का 8.09% स्टेक है। तो इससे जुड़ी नई खबर आई थी, इसलिए आप सबके सामने मैं शेयर को लेकर आया हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोज को लाइक करते रहिए, जिससे कि आपको ऐसे ही नए नए रोजाना यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने ऐसे ही एक बेहतरीन शेयर लेकर। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। चलिए कल मिलते हैं एक नए शेयर के साथ। धन्यवाद।